दोस्तों, क्या आपको याद है कि साल 2020 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में क्राइसिस आया था, जिसका मेन रीजन सेमीकंडक्टर के सप्लाई में शॉर्टेज का होना था। सेमीकंडक्टर एक बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिकल चिप जैसा डिवाइस होता है, जिसका यूज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे होम अप्लायंस, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, एटीएम, इलेक्ट्रिक कार्स और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। सेमीकंडक्टर किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के हर सेक्टर जैसे एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, क्लीन एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मेडिकल डिवाइस के लिए एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल का काम करता है। सेमीकंडक्टर मुख्य रूप से सिलिकॉन से बनता है। अभी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में चाइना और ताइवान वर्ल्ड के सबसे आगे है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हो रहे बदलाव के कारण ज्यादातर देश चाइना और ताइवान से अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं और इसका पूरा फायदा अब इंडिया को मिलने वाला है। वो कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, भारत सरकार इंडिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में जुटी हुई है। इसके लिए गवर्नमेंट कई तरह की स्कीम्स भी लेकर आ रही है। आज कई सारी विदेशी कंपनियां इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वेदांता फॉक्सकॉन ने गुजरात में 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए एमओयू साइन कर चुका है। अभी इंडिया में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए इंडिया की सेमीकंडक्टर डिमांड को पूरा करने के लिए सेमीकंडक्टर चाइना और ताइवान से इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन जल्द ही इंडिया अपना सेमीकंडक्टर की जरूरत को खुद पूरा कर पाएगा। आज इंडिया में सेमीकंडक्टर का मार्केट $15 बिलियन का है, लेकिन 2026 तक ये मार्केट $55 बिलियन का हो सकता है। तो क्या आप इस फ्यूचर ब्लू चिप इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन सी कंपनी या कौन सा स्टॉक है जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग या और मार्केटिंग में अच्छा काम कर रही है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर है टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्सी। टाटा इलेक्सी ने जापान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रेनेसॉस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। इस कोलैबोरेशन के तहत कंपनी ईवीस के लिए टारगेटेड सॉल्यूशन डेवलप करेगी और इसके लिए बेंगलुरु में स्टेट ऑफ आर्ट डिजाइन सेंटर भी खोला गया है। टाटा इलेक्सी को उम्मीद है कि इस ईवी सॉल्यूशन से इंडिया में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आएगी। इसके अलावा टाटा इलेक्सी अपने कस्टमर को कई तरह की सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रही है। टाटा इलेक्सी का अभी करंट मार्केट कैपिटल 47,300 करोड़ रुपए का है। इसके साथ करंट मार्केट प्राइस 7,000 पर शेयर के लगभग है। पीई रेशियो 59.4 है, आरओसीई 57.7 है और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई 51.1 है। पिछले 5 साल की बात करें तो टाटा इलेक्सी ने अपने इन्वेस्टरों को 750% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही दूसरी कंपनी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के बारे में। ये कंपनी मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है। ये कंपनी दुनिया की नामी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट का डिजाइन भी करती है और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। सैमसंग, मोटोरोला, पैनासोनिक, फिलिप्स, यहाँ तक कि शियोमी भी डिक्सॉन के बड़े बड़े कस्टमर है, जिसके लिए डिक्सॉन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में तो कंपनी के पास करंटली 35,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है और डिक्सॉन का एक शेयर स्टॉक मार्केट में 5,870 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। कंपनी का पीई रेशियो 113 है, जो काफी ज्यादा ओवरवैल्यूड है। आरओसीई 24% है, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई 21% है, डेब्ट टू इक्विटी 0.19 है। पिछले 5 सालों में डिक्सॉन ने अपने इन्वेस्टरों को 1235% का रिटर्न दिया है। तीसरी कंपनी है एएसएम टेक्नोलॉजी। एएसएम टेक्नोलॉजी ने एचबीबी कंपनी के साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50-50 पार्टनरशिप का जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है। ये कंपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इसके अलावा एएसएम टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी और ईवी सेक्टर में भी काम कर रही है। बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में तो कंपनी के पास करेंटली 498 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है और कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में 460 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। कंपनी का पीई रेशियो 354 है, जो काफी ज्यादा ओवरवैल्यूड हो चुका है, जो इन्वेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा रिस्की है। आरओसीई 13.4% है, आरओई 9.8% है और डेब्ट टू इक्विटी 1.03% है। पिछले 5 सालों में एएसएम टेक्नोलॉजी के शेयर ने 710% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, ये 3 स्टॉक टाटा इलेक्सी, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी और एएसएम टेक्नोलॉजी है, जो डायरेक्टली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं और इन स्टॉक का फंडामेंटल्स भी काफी अच्छा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ये कंपनियां काफी अच्छा काम कर रही है। तो अगर आप सेमीकंडक्टर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये 3 स्टॉक कंपनियां सबसे बेस्ट है। दोस्तों, मैं आपको ये पहले बता दूं कि मैंने आपको सजेस्ट नहीं करूं कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करें, कंपनी का एनालिसिस करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। ये मेरे तरफ से कोई सजेशन नहीं कि आप इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।